आज ना अच्छा बढ़िया नहीं कैसे बढ़िया होगा बे क्या होगा तुमने कमेंट में कल क्या हो गया तौबा तौबा साले कमेंट आया मेरे को और एक का भी नहीं बहुत लोगों का ए ₹50 कट ओवर एक्टिंग के ओ इसे ओवर एक्टिंग नहीं कहते इसे हाई एनर्जी कहते हैं। एक मिनट तुझे क्या मालूम मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ साले हैं या तो एक्टिंग है या मैं नेचुरली हरामी हूँ तुझे क्या मालूम साले मिलो तो सही अगर तुझे यकीन नहीं ना मैं नेचुरली हरामी हूँ वीडियो के एंड तक रुक एक कहानी सुनाऊं तेरे को रियल स्टोरी है अभी कुछ दिन पहले हुई है मजाक नहीं कर रहा बड़ी फनी स्टोरी है और चलो एक्टिंग का तो कुछ ऐसा नया नहीं है हो जाता है नाउ एंड देन निकल जाती है मतलब हर वीडियो में निकल जाती है टेक्निकली बट हो जाती है और सुना भी है मैंने बहुत लोगों ने बोला भी है क्योंकि उनकी लाइफ बहुत अलग और बोरिंग होगी मेरे से भी ज्यादा साले कल किसी ने बोला भाई तू इंग्लिश मत बोल ओह यू बिच ऑफ अ सन डोंट लर्न फादर इंग्लिश अरे कल के लगा सही तो नहीं बोल दिया मैंने पाप लगे मुझे और मान ले नहीं आती इंग्लिश बोलनी क्या करे आई वाज बोर्न इन उगांडा स्टडीड इन पोंडिचेरी सो लिटिल स्लो इन इंग्लिश तेरे को क्या दिक्कत है तू सुन इंग्लिश आई स्पीक इंग्लिश आई वॉक इंग्लिश आई फक इंग्लिश आई एक्चुअली फक इंग्लिश ट्रू स्टोरी ब्रो अबे साले तीसरा कमेंट भाई तू गाली कम दिया कर वो तेरी माँ मेरी आंटी लगा तेरी बहन को मैं बहन ही बोलू सिस्टर 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 लॉ और ना सीरियस ना ऐसे मैं गाली देना यूजुअली देता भी नहीं हो रियल लाइफ में बट वो निकल जाता है फ्लो फ्लो में क्योंकि हम इतने वैरायटी ऑफ टॉपिक निकाल रहे हो मतलब जब मैं सीरियसली बात कर रहा होता ना तो फिर लौड़ा ही निकलेगा उस पर पकौड़े निकलेगा ये बहन के पकौड़े मतलब सोच रहे मैं गुस्से में हूँ या मतलब फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ पकौड़े फिर वो गाली अभी गाली है ही क्यों इसीलिए तो है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तो ये चीज़ें समझनी होती है नहीं चलो छोड़ो वीडियो शुरू करते हैं अमेरिका का दलाल बहनचोद ओके मिर्ज़ापुर 2 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है मतलब ट्रेलर देखा या नहीं देखा बट आई यूज टू लव मिर्ज़ापुर इवन आई स्टिल लव मिर्ज़ापुर बट ऑन कैमरा बोलूंगा ये सब हाँ इसे नौटंकी कहते हैं क्योंकि मैं बोल चुका हूँ बॉयकॉट करना है पूरा नेपोटिज्म नहीं चाहिए तो साले तू मिर्ज़ापुर नहीं देखा गया मैंने ये नहीं बोला मैं बॉयकॉट बोला पायरेसी रॉक्स कौन बोला मैं ही बोला इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई पता है प्रॉब्लम क्या है मेरे पास प्राइम भी है नेटफ्लिक्स भी है हॉटस्टार भी है और मैं देखता कुछ भी नहीं हूँ ले क्यों रखा मैंने रईस यार की ना ₹250 की बिरयानी लगा रहा हूँ मैं पाप लगे मुझे साला मुझे लैपटॉप खरीदना है और मैं ये बात ना कभी बोलता नहीं कैमरा है भाई क्योंकि मुझे मालूम होता है तुम्हें ₹250 की बिरयानी का पता है ये ₹250 की बिरयानी खाता है साले लैपटॉप नहीं खरीद सकता अरे यही तो प्रॉब्लम है बिरयानी में पैसे चले जाते हैं तो लैपटॉप कहाँ से खरीदूं पाप लगे मुझे और साले लाइव स्ट्रीम में कोई डोनेशन भी नहीं देता भाई लाइव स्ट्रीम करें तो ही तो देंगे यू आर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी अबे पता प्रॉब्लम क्या होती है मैं वैसे बड़ा मूड में होता हूँ बड़ा एक्साइटेड होता हूँ जैसे मैं भी हूँ वो कैमरा ऑन होते ही हो जाता है बट फिर जब एडिटिंग होती है ना वो बड़ा स्लो प्रोसेस होता है यार और तो मैं देख रहा हूँ इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मैं एडिट कर रहा हूँ और एडिट करने के बाद जो रेंडर वाला फेज है वहाँ तो मैं पूरा डेड हो जाता हूँ अरे मैं बड़ा आलसी हूँ बे हार्ड वर्किंग लगता था मेरे को बट ये यूट्यूब ने आलसी बना दिया मुझे या मैं बूढ़ा हो चुका हूँ पाप लगे मुझे हाँ बट मिर्ज़ा पुल 2 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ सो मुझे ठीक लगा एवरेज लगा मतलब ऐसा माइंड ब्लास्टिंग नहीं लगा जितना वेट हम लोगों ने किया या मैं बहुत अटैच था मुझे पसंद आई थी क्योंकि अब मेरे टाइप का चीज़ आने वाला है रिवेंज टाइप की चीज़ आने वाली है पहली चीज़ गुड्डू भैया की प्रेजेंस बहुत कम है पूरी ट्रेलर में और वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था नए कैरेक्टर को ज़्यादा अटेंशन दी गई है और मेन फोकस जो मेरे को लगता है पूरी टीम का था ना वो मीम्स टेम्पलेट देने के लिए था और तुम मीम्स देख चुके होगे और यूजुअली मार्केटिंग में ऐसा होता है ना तो दो ही चीज़ें होती हैं एक तो वो जेन्युइनली बिलीव कर रहे हैं कि वो अमेजिंग प्रोडक्ट है या दूसरा उनको पता है ये शिट्टी प्रोडक्ट है तो जितनी मार्केटिंग कर सको जितना हाइप अप बना सको और शुरुआत के टाइम में पैसा बना ले वो वाली चीज़ होती है ये कि टट्टी प्रोडक्ट है मीम्स हो मीम्स बनेंगे लोग इंटरेस्टेड रहेंगे लोग एक्साइटेड रहेंगे और फिर वो हाइप अप बनी रहेगी सो दोनों में से क्या होगा वो 23 अक्टूबर को पता चल ही जाएगा बट उससे भी पहले 21 अक्टूबर आती है और 21 अक्टूबर पता क्या आता है मेरा गाना ब्रो मेरा गाना रेडी भी नहीं अभी तक रेडी नहीं है पूरा रीचेंज करना मेरे को और मैंने एक लाइन नहीं लिखी 21 अक्टूबर अरे सारे गाने भूल जाओ मैं बोल रहा हूँ ऐसा गाना लिखूंगा भाई साहब कान से खून निकाल दूंगा मैं ऐसा लिखूंगा मैं वेट सही बात नहीं है ये साले कुत्तों की जिंदगी कहाँ थे हम लोग मीम्स तो बहुत सारे मीम्स हैं और ऐसे नहीं कह रहा मीम्स खराब होते हैं आई लव मीम्स मेरे ऊपर कोई बनाते नहीं पता नहीं क्यों मैं फेमस क्यों नहीं होता साले ना तुमने इन्फ्लुएंसर बनाया ना गोल्ड आया साले सारे डायलॉग का मजाक उड़ाया तुमने
मेरा तो उड़ता ही है, मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है, बेइज्जत क्या होऊंगा मैं। साले अपनी तो इज्जत कर लो कम से कम, अपनी इज्जत नहीं तो है छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन। डिसलाइक मत करियो लेस्बियन, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेस्बियन बना दूंगा। अच्छा तू पहले से ही है इंस्टाग्राम फॉलो कर ले, लाइक नहीं कर रहे यार तुम। आज तो मैं पता है ना मेरा दिमाग कितना एक्साइटेड है, कहीं पे भी भग रहा है। बंद करो भाई बंद करो, करो। खुले में हगना बंद करो। अरे कुछ नहीं यार, मेरे को मीम्स करने हैं, मीम्स पढ़ के बोलने हैं और मैं इधर उधर भाग रहा हूँ। चलो छोड़ो दूसरे टॉपिक पे चलते। चल 10 मिनट रिकॉर्ड कर चुका, टट्टी नहीं निकलेगी इसमें से। कहाँ से बनाऊ 10 मिनट, साला कल आ गया कोई 10 मिनट के लिए कमेंट बनाने के लिए कि भाई तू ना न्यूज बॉय को पूरा कॉपी कर लेता, कुछ अपना रिसर्च कर, तेरी माँ को बेचूं तेरे बाप को फ्री में। साले तुमने बोला गाली कम कर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ गाली कम रखने की। न्यूज बॉय से सिर्फ मैं यूट्यूब रिलेटेड टॉपिक कवर करता उठाता हूँ जब मुझे पता है कि हाँ मैं सीरियस हो चुका और मुझे बकवास में जाना है। एंटरटेनमेंट न्यूज है, मैं सीरियस न्यूज पे ज्यादा फोकस देता हूँ जो मुझे लगता है लोगों के लिए जानना जरूरी है। हाँ तो मैं पूरी वीडियो कॉपी नहीं करता, और जब भी करता हूँ ना मैं बता के करता हूँ। ये वाला न्यूज बॉय को ब्लेम करना, मेरे को मत करना, बट अच्छा काम करता है वो भी, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। सो ओवरऑल ट्रेलर मिर्जापुर का बहुत एवरेज लगा मुझे, और लेट्स होप सीरीज डिसअपॉइंटिंग ना हो जैसे सैक्रेड गेम्स 2 निकली थी, क्योंकि बहुत लंबा वेट किया है। और गुड्डू भैया अटेंशन मतलब प्यार है, और दूसरा वो रसिका दुग्गल उसका फ्यूचर क्या होता है, और ये मुन्ना भैया को ये कहाँ बेटअप गर्म करने के लिए मिल गई, कौन है ए कौन वो पता लगाओ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन है कि गुड्डू भैया को तुमने ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, या इवन गोलू का जो नया चेंज है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं था, मतलब हाईलाइट हुआ है बट ज़्यादा फोकस नहीं था। 3 मिनट ये बना सकते थे, जो 8-10 एपिसोड बनाओगे तुम तो थोड़ा बड़ा ट्रेलर बना के थोड़ा गिव अवे तो करते, ये तो साल सब कुछ नया ही हो रहा है। बट ये मेरे ओपिनियन है बस, मे बी तुम लोग कुछ अलग सोचा होगा, तुम्हें पसंद भी आया होगा, बट मैं एक्साइटेड हूँ, बट मैं देखूंगा नहीं। बॉयकॉट नेपोटिज्म नहीं चाहिदा, फरार अख्तर प्रोड्यूसर है बेंच नहीं चाहिदा। वैसे नेपोटिज्म से मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को ग्रुपिज्म से प्रॉब्लम थी, तो शायद मैं देख भी लूँ अमेजोन प्राइम पे, पॉलिसी नहीं करेंगे कौन भी बोला मैं नहीं बोला। बट जो नेपोटिज्म है वो हमेशा हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, बट ग्रुपिज्म हमेशा मेरी प्रॉब्लम रही है। सो 23 अक्टूबर आ रहा है मिर्जापुर 2, और 21 अक्टूबर आ रहा है मेरा गाना लव यू जिंदगी, और 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर तक ताई चक्रवर्ती जेल में, वापस बेल उसकी रिजेक्ट हो गई, जेल में रहे। और एक चीज़ नोटिस करिए, ये जितने भी हैं ना बड़े बड़े स्वरा और जो आर्टिकल 15 का डायरेक्टर है, सब आगे की छोड़ो छोड़ो, अब तो कंफर्म हो गया ना, इंडिया टुडे ने बोल दिया मर्डर नहीं सुसाइड है, तो छोड़ने का उसको, चूतिया हो गया तुम लोग, गांजा पकड़ा गया उसके घर में, चरस कोक और पता नहीं क्या LSD HDFC क्या क्या पकड़ा उसके घर में, मुझे क्या मालूम। बट ड्रग एंगल में वो जेल में है, सुशांत से रिलेटेड तो अभी हुआ ही नहीं उसका कुछ, और सारे लोग मतलब ये कुछ स्पेसिफिक मीडिया कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, और ये आर्टिस्ट लोग उन पे लगे हुए। और मैं समझता हूँ कि हाँ तुम लोग अपनी फैमिली मेंबर की तरह काउंट कर रहे, क्योंकि इंडस्ट्री को तुमने फैमिली बना रखा है, और वही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, तो बिजनेस वाइज होना चाहिए और एक तरीका होना चाहिए रेगुलेट होने का, रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए। और सेम चीज़ पर रिएक्ट किया बॉबी देओल ने कि उसके हाथों से मतलब इस ग्रुपिज्म और इस फेवरिज्म की वजह से उसके हाथों से कितनी फिल्में छूट गई। जब वी मेट में उसको कास्ट होना था, बट करीना कपूर इम्तियाज अली के साथ काम नहीं करना चाहती थी, फाइनली इम्तियाज अली ने बॉबी देओल को निकाला और शाहिद कपूर को लिया, तब जाके करीना कपूर एग्री कर गई, क्योंकि उस टाइम पे दोनों डेट कर रहे थे। तो ये अगेन फेवरिज्म है कि मेरा फेवरेट बंदे को लोगे तो ही मैं ये कौन है जो चल तेरी माँ का पकौड़ा बेचू 2 रुपये में, देख ले गाली नहीं दी मैंने, मेरे ओपिनियन है कि ये जो कर रहे हैं साइड पार्शियलिटी अपनी इंडस्ट्री के लड़के तो इसलिए कर रहे हैं, या जुड़ंगा नाच हो रहा है PR टीम जब रिपब्लिक करती है तो गलत है, बट इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आती है तो हाँ तुम सही मैं गलत, मतलब वो बंदा गलत है, बट अगर यही वही सेम चीज़ तुम्हारी फेवर में हो तो ये सही है वो गलत है, मतलब दो सारी चीज़ें गलत है, सिर्फ तुम ही सही हो, ये चूतिया सोचे और चूतिया ही रहोगे तुम लोग। अगेन ये मेरा ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते। देख वो नोटिस किया, अभी मैं सीरियसली फ्लो में बोल रहा था ना, दिमाग वहीं पे था तो निकल गई गाली, वैसे नहीं दे पाऊंगा मैं गाली, तेरी माँ को रिस्पेक्ट दू, तेरी बहन को इज्जत दू, अपनी गांठ नाए कुछ भी झाड़ भी देता हूँ। हाँ फनी स्टोरी बताता हूँ। सो अभी रिसेंटली गया हो, फनी नहीं एक्चुअली सैड है, मेरी गलती है, मैं सॉरी बोलता हूँ, टेक्निकली नहीं बोलता हूँ मैं, बट सुनो अबे सुनना पड़ा मजा आ रहा है। सो क्या अभी कुछ दिन पहले मैं एक लड़के से बात कर रहा था, मैं फैमिली इशू था, फ्रस्ट्रेटेड था, मैं वो सुना रहा था,
फिर थोड़ा काम हुआ मैं, और मेरे को अच्छा लगा कि हाँ उसने बात करी, बट मैं हाई भी था बहुत आवा। सो मैंने उसे पता, एक तो मैं, जब मैं हाई होता ना, मेरे पास सबसे क्रेजीएस्ट आइडिया आते हैं जो सोबर मी रिजेक्ट कर देता है। इसलिए मैंने कॉपी रखा हुआ है लिखने के लिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ अभी। तो मैं बहुत कम लोगों को पता होगा, बट मैं ब्लॉगिंग करने की सोच रहा हूँ जो मेरे से चल नहीं रहा ढंग से। सो मैं लिख लेता हूँ, बट मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिखता हूँ जो मुझे लगता है हाँ ये चीज़ फ्यूचर में काम आ सकती है। तो मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाई बंदे से कभी बहस नहीं करनी चाहिए या उसकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है और मैं एग्री करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ स्टेटमेंट को। सो मेरे पास ये, मैंने ही पिच किया, ये मुझे बाद में पता चला। तो मैंने उसको पिच कर दिया कि काम करते हैं, डिनर करेंगे साथ में, कल मैं भी जल्दी करूंगा क्योंकि मेरे को शेड्यूल चेंज करना, अभी मैं बहुत लेट उठता हूँ तो मेरे को जल्दी उठना है। तो मैंने उसको बोल दिया साथ में डिनर करेंगे, डेट नाइट हो जाएगी। गर्लफ्रेंड नहीं मेरी, बस ऐसे ही लाइन वाइन फ्लड चलता रहता है उसकी साइड से, मेरी साइड से एक्चुअली मैं भी रिस्पॉन्स करता बट मैं नहीं मारता। तो मैंने बोला डिनर करेंगे और फिर मैं खाना खाया सो गया। रात के 2 बजे या 1 बजे की बात है, या सोया भी नहीं, मैं दूसरी लड़की की तरफ चला गया जो रात में अवेलेबल रहती है मेरे से बात करने के लिए। हाई होने के बाद से बात करना होता मुझे। सो ये सब हो गया, सुबह उठा मैं भूल गया। सुबह उठते मुझे सब कुछ याद नहीं रहता, सो इसलिए मैं लिखता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ताकि मैं ध्यान दे सकूँ। और मैंने नोट में नहीं लिखा था डेट नाइट, कुछ नहीं लिखा था मैंने, मुझे याद नहीं। मैं अपना नॉर्मल दिन है, मैं चल रहा है जो भी है, जो करता हूँ मैं डेली, कुछ नहीं करता, बस ऑन करके बैठ जाता हूँ। रात के 10 बजते हैं, मेरे को मैसेज आता है आई विल बी फ्री एट 11, मैं ठीक है वेरी गुड, मेरे को क्या बताइए, नाइस थैंक्स फॉर शेयरिंग। 11 बजे कॉल आती है, बंदी वेल ड्रेस होके बैठी हुई है टेबल पे। मैं कहा क्या बात है, बड़ी सज के बैठी हुई है। अरे यार साथ में डिनर करना था ना। मैंने वो प्रेगनेंसी वाली टी शर्ट नहीं थी वो पहनी हुई थी। मैं कहा ये भी नई टी शर्ट है, चलेगा ठीक है, तेरे को खाना साथ में खाना, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। भड़क गई, फोन काट दिया। मैं फिर भी, मैं कहा थोड़ा गुस्से, थोड़ा टाइम तो फिर बात कर लेंगे, नहीं फिर मैंने ब्लॉक मार दिया। सॉरी मैं सॉरी बोल दिया, काफ़ी है, इतने नखरे नीचे लाइफ में मेरे को। एक मिनट में हाई है, मेरे को कोई बंदा बोलेगा ना, मतलब मैं जाता हूँ, बोला ना मैं एक्टर बनेगा जो लाइव स्ट्रीम पे और डिस्कॉर्ड पे उनको पता है कि मैं जाता हूँ मुंबई और मैं किसी हाई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से मिलता हूँ, वो मुझे बोलता हूँ ये कल मेरे ऑफिस में आइयो, अंदर का जवाब देगा, हाँ पहले तू घर जा, कल देखेंगे। मैं नहीं जाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा जब तक वो मेरे पास दोबारा नहीं आएगा, या मैं उसे याद नहीं रहूँगा हाँ ये हुआ था, तो मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। तब मैं ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए शेयर कर रहा हूँ ना कि पहली चीज़ मुझे बुरा लगा हल्का सा, बट ज़्यादा बुरा उस पर लगा कि तू बेवकूफ़ है। मतलब सुबह सीरियसली तुझे लगता है मैं जा रहा हूँ, जब तुझे पता मैं कितना अमाउंट पी रहा हूँ। सर मेरा ओपिनियन ये है, गलती किसकी कहाँ हुई, मेरे पार्ट पे कितनी गलती थी, उसके पार्ट पे कितनी गलती थी, जवाब दो, मजा आएगा। अबे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, एक्चुअली किया हुआ है, 2 लोगों के साथ किया मैंने ये बात, 2 लोगों के साथ शेयर किया फिर तुम पे बांट दिया, पाप लगे मुझे। बट मुझे बड़ी फनी लगी ये चीज़, और मैं उसका मुंह देखना लाइक था उस टाइम पे। पहले घंटों बातें होती थी, अब घंटा बातें होती है, पहले वो साथ हंसती थी, अब मुझ पे साली हंसती है, किस्मत वो मेरी है नहीं, किस्मत तो मेरी खस्ती है, प्यार मोहब्बत धोखा है। खूबसूरती चेहरे या कपड़े या तुम्हारे बॉडी के कलर से या रंग से नहीं आती, खूबसूरती निगाहों से आती है, और ये निगाहें हैं जो जिसे चाहे हसीन बना देते हैं।